सुनारिया चौक पर मिष्ठान भंडार मालिक को गोली मारने वाले गिरफ्तार। रिटौली में हुए डबल मर्डर का भी हुआ खुलासा। 5 युवकों को एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। रोहतक और झज्जर के हैं सभी आरोपी। रोहतक एसटीएफ ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर में हुई 2 बड़ी वारदातों का खुलासा किया है। सुनारिया चौक पर मिष्ठान भंडार मालिक को गोली मारने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले सुनारिया चौक पर मिष्ठान भंडार में जाकर पहले मिठाई मांगी और फिर 25 लाख की रंगदारी और फिर दुकान स्वामी को ही गोली मार दी। वहीं पुलिस ने इनके अलावा अन्य 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर रिटौली में हुए डबल मर्डर का मुकदमा दर्ज है। आज इंस्पेक्टर हरीश जो हमारे एसटीएफ यूनिट रोहतक के इंचार्ज हैं, इनके पास सूचना मिली कि 2 मार्च को गांव रिटौली में जो मर्डर हुआ था, उसके मुलजिम वहीं गांव में खेतों में ही छुपे हुए हैं। जिस सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर हरीश ने एक टीम भेजी और वहाँ से 5 मुलजिम जो कि 2 मार्च को हुए डबल मर्डर में वांछित थे, उनको काबू किया। पूछताछ पे हमें उनसे ये भी पता चला कि उन्होंने 27 फरवरी को सुनारिया चौक पर जो बीकानेर मिष्ठान भंडार है उसके ऊपर भी उन्होंने गोली चला के 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। बाकी पूछताछ आज कोर्ट में उनको पेश करके रिमांड लेके और फिर करेंगे। उनसे वेपन भी बरामद हुए? नहीं, अभी तो नहीं हुए हैं, बाकी वो रिमांड के दौरान देखते हैं। इससे पहले किसी अन्य मामलों में इन्वॉल्व? हाँ, पहले भी इनका क्राइम रिकॉर्ड है 302, 307 या आर्म्स एक्ट के, इनके पहले भी इन पर मुकदमे रहे हैं। इंटरस्टेट ही है या बाहर हरियाणा? नहीं, इंटरस्टेट ही है। हाँ, गांव के ही है मोस्टली, इनकी आपसी रंजिश है। पहली बार गिरफ्तार हुए हैं या? नहीं, पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तारी है। मास्टरमाइंड इसमें सन्नी है इस गैंग का, तो जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। सन्नी और उसका भाई है अंकित, उन दोनों पे 10,000 रुपए इनाम भी रखा हुआ है। किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं और क्या रणनीति बनाते हैं? इनका बस आपसी गांव का ही है, आपसी रंजिश है इनकी, जिस चीज़ को लेकर इनको इनपुट भी गांव से ही मिल जाती है किसी को, भाई वो दूसरी टीम उसको सपोर्ट करे दूसरे गैंग को, तो उसी को टारगेट कर लेते हैं ये। जेल से छुट्टी आई हुई थी जिसे आप बता रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, ये बेल पे आई हुई थी। वैसे इस मामले में कोई भाई आपसी रंजिश में अंजाम दिया गया या फिर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मर्डर के लिए? नहीं, आपसी रंजिश के, आपसी रंजिश से। तो इस गैंग में और भी कोई? फिलहाल तो यही है, बाकी पूछताछ पे पता चलेगा, देखते हैं। आपको बता दें कि 2 मार्च को रोहतक जिले के रिटौली गांव में हुए डबल मर्डर के बाद ग्रामीणों का पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर काफी दबाव था, जिसमें आखिरकार 12 दिन बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ स्टाफ ने इस मर्डर के मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 रिटौली गांव के ही रहने वाले हैं, जबकि अन्य 3 झज्जर जिले के डीघल गांव के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 मार्च को रोहित व राजेंद्र नामक शख्स की गांव में ही गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप सन्नी व अंकित तथा उसके कुछ साथियों पर लगा था। इस हत्याकांड के पीछे कारण आपसी रंजिश व गैंगवार बताया गया था। हत्या के बाद एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी गांव के ही खेतों में छुपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपियों पर सुनारिया चौक में मिष्ठान भंडार स्वामी को गोली मारने के मामले में भी मुकदमा दर्ज है। वहीं मिष्ठान भंडार मालिक से 25 लाख की रंगदारी भी मांगी गई थी। गिरफ्तार 5 आरोपियों में 2 आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी है।